नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेहरे पर दूध लगाने के नुकसान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को लोग तरह तरह से अपने चेहरे और बालों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ये स्किन केयर का हमेशा से ही हिस्सा रहा है, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। खास करके अगर स्किन की बात करें, हम सभी की स्किन अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे बदलते मौसम और उम्र के साथ एक खास देखभाल की ज़रूरत होती है। ऐसे में चेहरे पर दूध लगाना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो जरूरी नहीं है। तो ज़रूरी यह है कि आप जानें कि आपके चेहरे और स्किन के प्रकार के अनुसार दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स फ़ायदेमंद होंगे या नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को चेहरे पर दूध नहीं लगाना चाहिए और चेहरे पर दूध लगाने के नुकसान क्या है। दोस्तों आइए जानते हैं इन तीन तरह के लोगों को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए दूध। नंबर एक, एक्ने स्किन वालों को। दोस्तों जिन लोगों के चेहरे पर एक्ने हो या लगातार एक्ने होता रहा है, उन्हें अपनी स्किन के लिए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जैसे कि कच्चा दूध या मक्खन। दरअसल जिन लोगों को लगातार चेहरे पर एक्ने की समस्या रहती है, उन्हें ये बैक्टीरियल एक्ने के कारण हो रहा होता है, यानी कि ये एक्ने फैलते रहते हैं। जब आप चेहरे पर कच्चा दूध लगाते हैं तो बैक्टीरियल एक्ने होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को दूध के सहारे स्किन पर जमा रहने का मौका मिल जाता है। उतनी ही देर में ये फैलने लगते हैं और त्वचा के पोर्स में चले जाते हैं, जिससे लगातार चेहरे पर रहने वाली एक्ने होती रहती है। नंबर दो, ऑयली स्किन वालों को। दोस्तों जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, उनके चेहरे में अपने आप सीबम का प्रोडक्शन चलता रहता है, जिसे आप ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं। इसलिए ऐसी स्किन हर कुछ घंटों में ऑयली नज़र आने लगती है। जब आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट को लगाते हैं तो उनमें खुद ही कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि चेहरे पर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपके पोर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि गंदगी को चेहरे पर रोकता है और सीबम के प्रोडक्शन को और बढ़ा देता है। इस तरह कुछ ऑयली बैक्टीरिया आपके चेहरे से चिपक रह सकते हैं, जिसका नुकसान आपको स्किन में लगातार रहने वाली समस्याओं के रूप में देखना पड़ सकता है। नंबर तीन, ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों को। दोस्तों सेंसिटिव स्किन होने पर आप में एलर्जी की संभावनाएं बनी रहती हैं। आपकी स्किन में कब और कैसे एलर्जी हो जाए, ये किसी को भी मालूम नहीं होता। इसलिए ऐसे में आपको दूध लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको दूध लगाते ही चेहरे पर दाने, खुजली, जलन और लाल पित्ती नज़र आ सकती है। इसलिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको चेहरे पर बिना जाने और समझे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं चेहरे पर दूध लगाने के नुकसान से कैसे बचें। चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। सीधे तौर पर चेहरे पर दूध न लगाएं। दूध लगाने से पहले चेहरे पर गुलाब जल लगा लें। चेहरे पर रेडनेस और बहुत ज़्यादा एक्ने वाले दाने हैं तो दूध और इससे बने डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बचें। दूध को गर्म करके और ठंडा करने के बाद किसी अन्य हेल्दी कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध में हल्दी, नींबू और बेसन मिलाकर लगाएं। देर तक चेहरे पर दूध से बने प्रोडक्ट्स लगाकर न रखें। 10 से 15 मिनट में गुनगुने पानी से अपना मुंह साफ कर लें, इससे पोर्स की सफाई हो जाएगी और चेहरे पर दूध के फैट भी जमा नहीं होंगे। इस तरह आप चेहरे पर दूध लगाने के नुकसानों से बच सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन है चेहरे पर दूध लगाने का, तो आपको किसी स्किन केयर एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन और हेल्दी स्किन वाले लोगों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है, पर जिन लोगों को स्किन की समस्याएं लगी रहती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।